नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजधानी दिल्ली में बुधवार को कई महीने में एक दिन में अब तक की सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। कल बारिश 60 मिमी के पुराने रिकॉर्ड को पार कर गई। इसके साथ ही बुधवार को पिछले 70 वर्षों में मई महीने में सबसे ठंडा दिन रहा। बुधवार को अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 16 डिग्री कम था। जबकि मई महीने में आमतौर पर चिलचिलाती गर्मी रहती है। चक्रवाती तूफान टाउटे के असर के चलते कल दिन भर दिल्ली में रुक रुक कर बारिश होती रही। इसके साथ ही तेज हवाओं का चलना भी जारी रहा। बुधवार को दिल्ली के बेस स्टेशन सफदरगंज वेशसाला में सुबह 8:30 बजे के बीच 60 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक इससे पहले दिल्ली में 24 मई 1976 को 24 घंटे में 60 मिमी बारिश हुई थी, जो मई महीने के एक दिन में सबसे अधिक बारिश का रिकॉर्ड है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को 12 घंटे की बारिश 24 मई 1976 के 24 घंटे के औसत के बराबर थी, इसलिए पहले के रिकॉर्ड की तुलना में बहुत अधिक बारिश होने की संभावना है। इससे पहले मौसम विभाग ने दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया था और कुछ इलाके में भीषण बारिश का अनुमान जताया था। विभाग ने निचले इलाके में जलभराव, यातायात बाधित होने और कुछ घंटे पौधों के उखड़ने का पूर्वानुमान जताया था। IMD ने कहा था कि चक्रवर्ती तूफान टाउटे के अवशेष पर पश्चिमी विक्षोभ के संपर्क के कारण कुछ इलाके में भारी से बेहद भारी बारिश हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।